क्रिकेट और बॉलीवुड के सॉलिड कनेक्शन का सबूत है टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी गर्ल फ्रेंड बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। स्टार कपल अच्छे से आगे बढ़ रहा है और हर एक मौके पर एक दूसरे को स्पेशल महसूस कराने में पीछे नहीं रहता है। यह जोड़ी को विरुष्का के नाम से सुपरहिट हो चुकी है। वैसे विराट और अनुष्का आए दिन सुर्खियों का केंद्र बने होते हैं। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि विराट और अनुष्का इस वर्ष दिसंबर में शादी का प्लान कर रहे हैं। जहां हम इस जोड़ी की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं, वहीं टीम इंडिया के कप्तान ने अनुष्का के साथ अपने रिश्ते के बारे में एक मजेदार खुलासा किया है। कोहली की अनुष्का से पहली मुलाकात एक शैम्पू के विज्ञापन के दौरान हुई थी। तब से ये दोनों साथ हैं। हालांकि दोनों ने इस दौरान कई उतार चढ़ाव देखे। जब भी विराट बल्लेबाजी में फ्लॉप हुए तो ट्विटर यूजर्स ने अनुष्का को ही उनके खराब प्रदर्शन का दोषी ठहराया। एक समय तो ऐसा भी आया जब अनुष्का और विराट के अलग होने की नौबत आ गई, लेकिन तभी खान ने इस टूटते रिश्ते को जोड़ा। अब विरुष्का मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। टीम इंडिया के कप्तान ने हाल ही में गौरव कपूर के शो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके बुरे समय में एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा मदद की और वो कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान हैं। कोहली ने कहा, जब इंग्लैंड में मेरा प्रदर्शन प्रभावी नहीं था तो अनुष्का को बहुत खरी खोटी सुनना पड़ी। लोगों ने कहा, देखा जब आप दौरे पर अपनी गर्ल फ्रेंड को साथ ले जाने की इजाज़त दे तो कैसा हश्र होता है। मुझे लगा कि अगर आपके हिसाब से जिंदगी जीना है तो या तो मुझे शादी कर लेना चाहिए या संन्यास लेने तक सिंगल रहना चाहिए। क्या ये सही है? उन्होंने आगे कहा, मैंने सबसे पहले ये बात जहीर खान से की। उन्होंने मुझे कहा कि अपने रिश्ते को छिपाने की जरूरत नहीं है, वरना ये परेशानी देता रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं कि किसी से ये बातें छिपाएं। उनकी इस सलाह का मुझे काफी फायदा मिला और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।